अंग्रेजों ने अपने शासन काल के दौरान बहुत से सख्त कानून बनाए थे ताकि इन कानूनों का सहारा लेकर भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा सके। इस लेख में हमने ऐसे ही कुछ कानूनों के बारे में बताया है जो कि या तो वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है या फिर भारत सरकार ने उन्हें बदल दिया है, परंतु कुछ कानून तो आज भी अपने पुराने रूप में मौजूद हैं। नंबर वन, भारतीय दंड संहिता की धारा 309। इस कानून के अनुसार यदि आप आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि आप अपने प्रयास में सफल हो जाएं, नहीं तो जिंदा बचने पर आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि भारत में आत्महत्या का प्रयास कानूनी रूप से अवैध है और यदि आप ऐसा करने में विफल हो जाते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। भारतीय कानून यह मानता है कि आपके शरीर पर सिर्फ आपका ही हक नहीं है बल्कि आपकी माँ, पिता, बहन और भाई इत्यादि का भी उतना ही हक है जितना कि आपका। नंबर टू, भारतीय डाकघर अधिनियम 1898। इस अधिनियम का कहना है कि केवल भारत सरकार ही पत्र वितरित कर सकती थी। इस प्रकार भारत में सभी प्रकार की कुरियर कंपनियों का बिजनेस गैर कानूनी था। हंसने वाली बात यह है कि कबूतरों के माध्यमों से पत्र भेजना भी गैर कानूनी था। अब इस नियम को बदल दिया गया है। नंबर थ्री, भारतीय खजाना निधि अधिनियम 1878। यदि आपको सड़क पर चलते हुए 10 रुपए या इससे बड़ी राशि का कोई नोट मिलता है और आप नोट के वास्तविक मालिक को नहीं ढूंढ पाते हैं तो इस कानून के अनुसार आपको उस इलाके के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नोट का मूल्य एवं प्राप्ति स्थान की सही जानकारी देना पड़ेगी। नंबर फोर, भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875। यह अधिनियम यह कहता है कि एक आदमी को शादी करने के लिए 21 वर्ष का होना चाहिए, लेकिन हास्यास्पद बात यह है कि यदि वह किसी बच्चे को गोद लेकर बाप बनना चाहता है तो यह काम 18 वर्ष की उम्र में ही कर सकता है। नंबर फाइव, शराब के लिए पूरे देश में अलग अलग कानून। भारत के विभिन्न राज्यों में शराब को पीने और बेचने के लिए अलग अलग कानून हैं। जहां एक तरफ गुजरात, बिहार, मणिपुर और नागालैंड, लक्षद्वीप में शराब पीने पर पूरी तरह पाबंदी है, वहीं दूसरी तरफ गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और सिक्किम में शराब पीने की उम्र 18 साल है तथा राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 21 साल और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में 25 साल। कानून के हिसाब से यह एक बहुत बड़ी विसंगति है, क्योंकि कानून यह मान रहा है कि देश के विभिन्न भागों में लोग अलग अलग उम्र में वयस्क होते हैं, जबकि यह सच नहीं है। नंबर सिक्स, पूर्वी पंजाब कृषि कीट रोग और हानिकारक खरपतवार अधिनियम 1949। यदि आप दिल्ली के निवासी हैं और अगर शहर में टिड्डियों की संख्या बहुत अधिक हो गई है तो इन टिड्डियों को भगाने के लिए आपको सड़क पर ड्रम बजाने के लिए बुलाया जा सकता है। यदि आपने इस आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया तो आपके ऊपर 50 रुपए का जुर्माना या कम से कम 10 दिनों की जेल हो सकती है। नंबर सेवन, भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1914। इस कानून के अनुसार आपको नौकरी से भी निकाला जा सकता है यदि आपके दांत चमकदार नहीं है या आपके पैर की अंगुली टेढ़ी है। आपको यकीन भले ही ना हो पर भारतीय कानून में यातायात पुलिस इंस्पेक्टर के लिए यह एक अनिवार्य पात्रता थी। नंबर एट, 1911 अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए इस कानून का उद्देश्य भारत के किसी भी हिस्से में विद्रोहात्मक या उत्तेजक बैठकों को रोकना था। इस कानून के अंतर्गत एक ही जगह पर 20 से अधिक व्यक्तियों का नाचना भी प्रतिबंधित था। साथ ही 20 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी भी अधिकृत राजनीतिक बैठक को शांतिपूर्वक तरीके से करने, देश प्रेम को प्रेरित करने वाली कोई भी अध्ययन सामग्री बांटने पर भी प्रतिबंध था। सरकार ने इस नियम को हटा दिया है। अब सभी को शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने की आजादी प्राप्त है। नंबर नाइन, वित्त मंत्रालय ने आदेश दिया है कि बैंक में नौकरी पाने के लिए कम से कम ग्रेजुएट होना ही चाहिए, लेकिन यह कितना हास्यास्पद है कि वित्त मंत्री तो एक निरक्षर व्यक्ति भी बन सकता है, लेकिन एक मामूली क्लर्क बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है।